व्यू देखो ना यार, अभी जो इसकी स्टिकर्स मैंने लगाए ना, मेरा प्लान था कि मैं टायर में करूंगा, बट एलॉय वाले मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग और राम राम भाई सभी को। कैसे हो सभी? तो एक्चुअली क्या है ना कि आज मैंने गाड़ी के लिए एक प्रोडक्ट मंगाया था और ये रहा वो प्रोडक्ट। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, गाड़ी के जो एलॉय रिम होता है ना उसके साइड्स के जो कॉर्नर होते हैं ना वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सस्ता पड़ गया, तो एक्चुअली क्या है ना, रिम में जब लगाऊंगा ना तो चलते हुए अलग से ही लुक आएगा। तो गाइज अभी क्या है ना कि मैंने ना इस बॉक्स को एक ही बार ओपन करके देखा, मतलब उतना डिटेलिंग से नहीं देखा, बस इतना देखा है कि हाँ प्रोडक्ट है कि नहीं है, सही आया है कि नहीं आया, बट अच्छा आया है। अपन ना भाई इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं साइड में बॉर्डर, एंड इसको भी ओपन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा इसका लुक है और कैसा आने वाला है लगने के बाद। तो आप रेफरेंस एक तरह से आपको मिल जाएगा। लुक इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब BMW स्टाइल में दिया हुआ है थोड़ा सा। अगर यहीं पर ना ये पूरी ब्लैक होती ना तो बहुत प्यारी लगती, बट ये ब्लू है ना तो जो ये ब्लूइश इफेक्ट है ना, ये वाला बिल्कुल से मैच कर रहा है इससे, तो उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, बट हाँ ये है कि उतना ख़राब भी नहीं लगने वाला है। 2, 2, 4, 6, 2, 8, मतलब जो ये ब्लू वाले स्टिकर है ना, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे देखो, आप चार लेयर दी हुई है ना, तो 2 इस साइड लगेंगे, ठीक है ना, 2 उस साइड 2 उस साइड 2 उस साइड, मतलब 2 व्हील है ना, दोनों साइड ना 2-2 लगेंगे। अपन क्या करेंगे ना, इसको ना पहले अपन यहाँ से कट करते हैं और फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ही कट करता हूँ। तो भाई अपने ये कट हो चुके हैं, ये देख लो, मैंने इनको अलग अलग कट कर लिया है जिससे ना लगाने में थोड़ा सा इजी हो, और एक रेफरेंस मैं ले लेता हूँ कि इसमें कितने लगने हैं एक टायर पे। तो एक तो अपना लग गया, और दूसरा मान लो मैं इतना गैप करता हूँ तो ठीक है, चलो मोटा मोटा रेफरेंस लूँ अगर मैं तो यहाँ पर आएगा दूसरा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद तीसरा कहीं यहाँ पे आएगा, चौथे के लिए जगह नहीं बचेगी। तो एक्चुअली क्या है ना, एक टायर में अपन 3 ही लगा सकते, 4 के लिए इम्पॉसिबल है। तो भाई ये फाइनली अभी एक टायर में कम्प्लीट हो चुका है और ऐसा कुछ आ रहा है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था तो अपन ने ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी कर दी, अपने को इसको और इसको थोड़ा पैरेलल लगाना था, बट उतना समझ में नहीं आ रहा है, और देख लो ऐसा कुछ लगने वाला है। ये महंगी बाइक्स में भी लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वाली में एक बार ट्राई कर लिया जाए, तो बाकी में भी लगाता हूँ एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो गाइस ये रहा फाइनल लुक इसका, एंड साइड से भाई कुछ ऐसी लग रही है और मेरे हिसाब से तो बढ़िया लग रही है। भाई इसकी एक चीज़ मेरे को ख़राब लगी है माँ की, कि जो इसका एलॉय में कलर किया गया है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे थर्ड क्वालिटी टाइप का, ये पेड़ ना छूटता है, पीछे वाले का कलर आधा डैमेज हो चुका है, और इसमें अब अगर आप गलती से वैक्स कर देते हो तो वैक्स करने पर समझ जाओ कि ये और गंदा छूटता है, तो मतलब ऐसा कलर डल सा हो गया इसका, क्योंकि मैंने इसमें एक दो बार ना वैक्स कर दिया था ना, थोड़ा सा समझ में आता है कि वो मतलब जो शाइनिंग थी ना वो ख़त्म हो गई है। गाइस अच्छा खासा इसको मैं लगा रहा था, बट मैंने एक मेजरमेंट में गलती ये कर दी कि इसमें थोड़ा सा उधर खिसका दिया, अभी देखो इतना बताया था मैंने, इतना गैप इसमें हो रहा है, अभी मेरे को ना ये लगाना पड़ेगा, इतना ये टिपकी लगानी पड़ेगी मेरे को, टिपकी, एंड लग जाए परफेक्टली बस। हाँ पैच लग चुका है गाइस, अलग से ही दिख रहा है यार, अभी वीडियो में तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐसे बताना मेरे को, बट यहाँ पे मैं अगर क्लोज देख रहा हूँ ना तो ये समझ में आ रहा है कि पैच लगा हुआ है यहाँ पे। उतना बुरा भी तो नहीं लग रहा, बट ठीक लग रहा है। तो गाइस ऐसी कुछ लग रही है यार, ये देखो सामने से, साइड से ऐसा रेफरेंस ले सकते हो कि ये कैसा लगने वाला है। अभी खड़ी है तो इतनी अच्छी लग रही है, जब रनिंग करेगी ना तो जो टायर का लुक रहेगा ना गाड़ी का, वो अलग से आई कैचिंग रहेगा, वाइट वाइट कलर की पट्टी, क्योंकि ये डार्क ब्लू में था ना तो मैंने वाइट कलर का जानबूझ के चूज़ किया है कि इसमें ना, क्योंकि इसमें भाई रेड भी आता था एंड बहुत सारी कलर में थे, तो मैंने इसको ना वाइट एंड ब्लू में या मोटो स्पोर्ट वाला चूज़ किया है, जिससे ना कि अलग से रेफरेंस आया, क्योंकि जब ब्लू कलर का साफ़ सुथरी गाड़ी चलेगी ना ऐसे करके अलॉय भी साफ़ रहेंगे, तो वो अलग से इम्पैक्ट डालेगा पूरा सर्कल में, राउंड में वाइट कलर का तो घूमेगा। अभी उसका सामने मैं आपको शॉट दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है, और अभी एक दो स्टिकर्स है तो इनको मैं लगाऊंगा तो नहीं, बट एक बार देखता हूँ कि कहाँ पे अच्छे लगेंगे, और एक बार चेक भी करेंगे लगा के, अगर अच्छे लगेंगे तो इनको लगे रहने देंगे, नहीं लगेंगे तो अपन इसको निकाल देंगे। तो भाई अभी क्या है ना कि जो ये पिस्टन ग्राफिक करके है ना, इसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि मेरे को ये फॉन्ट अच्छा लगा और इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए ना ये भी अच्छे लगे। मैंने पहले सोचा कि यमहा हटा के ना ऐसा कुछ करवाऊँगा, तो
ये रेड एंड ब्लू का जो थीम है ना, मेरे को प्यारा लगा और इसका फॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो अपन इसको पहले निकालते हैं और पिस्टन ग्राफिक को यहाँ पे लगा के देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं ऐसी थीम का एक स्टिकर बनवाऊँगा और यहाँ पे फिर पेस्ट करूँगा। तो भाई ऐसा कुछ लग रहा है और ओवरऑल मेरे को तो लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा होगा। ये वाले स्टिकर ना मुकेश की गाड़ी पे लगाना मेरे को, बट मैं स्पॉट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कौन से स्पॉट पे लगाऊँ जहाँ पे अच्छा लगे और ज़्यादा ख़राब भी ना लगे। तो आई थिंक सो कि पिस्टन ग्राफिक को तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, बेटर लगेगा। एरे ग्राफिक्स ये हम ऐसे रेफरेंस के लिए लगा रहे हैं, अगर ये अच्छा लग गया गाड़ियों पे ना तो हम ऐसे ही रिलेटेड कुछ बनवाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। एंड नाम तो हमारा डिसाइडेड है ही। एंड ओ आई थिंक सो कि ये भाई अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। वाइट ग्राफिक्स है ना तो थोड़ा क्लासी लग रहा है यहाँ पे, और लगाया भी अपन ने बहुत अच्छी जगह पे। जो शॉट रहेंगे शाम को मैं दिखाऊंगा प्रॉपर। ये देख लो साइड से ऐसी कुछ आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है सीरियसली बताऊँ। और मेरे घर में क्या है ना, इस टाइम पे काम भी चल रहा है, ये देख लो टाइल्स वाइल्स लग रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से टाइल्स भी नहीं लगी, तो मैंने सोचा इसको प्रॉपर लगवा दिया जाए, तो अभी लग रहा है। और यार गाड़ी का लुक देखो यार, वाइट में और भी बढ़ गया है। छोड़ो ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, शाम में दिखाऊँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि यार पसीना पसीना हो गया। हाँ जी, तो घर से निकल चुका हूँ अभी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि बारिश हुई है, और बारिश तो नाम की हुई है बट उससे जो है ना टेम्परेचर है ना काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। मतलब ऐसा है ना कि इस टाइम पे अभी 4-5-6 दिन या फिर वीक मान लो गर्म लू चल रही थी, बट अभी ऐसा हो चुका है ना कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब आप आराम से घूम सकते हो। तो भाई जैसे ही बारिश हुई, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, मेरा मन किया क्यों ना यार चलो कहीं घूम के आया जाए। तो मैं निकल लिया भाई सनसेट व्यू पॉइंट पे। यार लुक देखो इसका कितना ज़्यादा हैवी हो चुका है, मुझे यही लुक दिखाना है इसका। अभी हमने बहुत सारे शॉट लिए, आप लोग को शायद से अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे होंगे ना जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, और वीडियो जितना हो सके शेयर कर देना। लेकिन ये व्यू देखो ना यार, अभी जो इसकी स्टिकर्स मैंने लगाया ना, मेरा प्लान था कि मैं टायर में करूँगा, बट एलॉय वाले मेरे को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हैवी हैवी फील दे रहे हैं गाड़ी को, और मेरी गाड़ी में थोड़ा जच भी रहे, चलते होंगे तो कितने प्यारे लगते होंगे। नाइस डिसीजन। बस इसमें एक डाउट है मेरे को कि रात में रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें रिफ्लेक्टिव रेडियम टाइप का जैसा नहीं होता है वैसा रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, अभी वो देखना पड़ेगा, बट सच में यहाँ से बहुत प्यारी लग रही है। भाई यहाँ बैठे हुआ था और लो फाइनली सनसेट हो चुका है। लेकिन यार सबसे प्लीजेंट जगह मेरे को लगती है यार सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे आके सुकून भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मैं अभी देखा नहीं था भाई, यहाँ पे गो उसकी पट्टी भी बंदर की वहाँ पे लेट गया था। लेकिन यार मतलब आज बारिश हुई तो एक पत्थर तप नहीं रहा सच में। ये जगह ना जैसे मैं बता चुका हूँ कैंपिंग वम्पिंग लिए बहुत खतरनाक है, बट थोड़ा सा रिस्की है, या फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे। ये पावर हाउस में ना मुझे एक बार एक्सप्लोर करने मतलब घूमने देखने पूरा वहाँ से लेके पूरा, क्योंकि उसके ऊपर जो गेट है ना वो मैं कभी ब्लॉग में दिखाया नहीं, वो एक ही टाइम पे दिखाऊंगा जब मेरे को परमिशन बाय मिस्टेक नीचे की घूमने की मिलेगी। फ्लोर है इसमें नीचे बहुत सारी मशीनें हैं, यहाँ से पूरा पानी फ्लो होकर जाता है, तो वो मुझे एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी मैं घर निकल जाऊँगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, मोटो ब्लॉग भी रहेगा नहीं और ब्लॉग भी नॉर्मल रहेगा नहीं। बस ये बताना कि जो स्टिकर्स मैंने बाइक में लगाए हैं उनका लुक कैसा लग रहा है, और गाड़ी में कैसे प्रॉपर वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे होंगे ना तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब, और ये तो लाइक का हो गया, सब्सक्राइब भी कर देना, फॉलो और शेयर और जितना हो सके तो कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आप लोग के अकॉर्डिंग ना मैं बाइक में और क्या मॉडिफिकेशन करा सकता हूँ, अपने ओपिनियंस एक बार शेयर करना, और आई थिंक सो कि वो मेरे को आइडियाज़ अच्छे लगेंगे ना तो मैं ज़रूर से अपनी बाइक में वो सारे मॉड्स करवाऊंगा। बट स्टिकर वाला मेरे माइंड में था, मैं टायर पे करवाने वाला था, बट स्टिकर मैंने अलॉय पे लगवाया तो अभी उसमें अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अपने आइडियाज़ दो कमेंट में कि भाई आप ऐसा मॉड कराओ गाड़ी में, ऐसा कराओ,
खुराफात जितना हो सके मैं सारे कराऊंगा अगर हो सकेंगे अच्छे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये लोकेशन सच में बहुत प्यारी है, एक बार जाते थे सन देख लो कितना प्यारा है।